हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश। आप देख रहे हैं रितेश फोन वगैरह एंड टैक्स। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सैमसंग का टीजेन जेड 4 मॉडल हो और उसमें बोल रहा हो कॉन्टेक्ट सर्विस सेंटर, मतलब आप कस्टमर केयर से संपर्क करिए, विजिट नाउ, तो वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपके पास टीजेन का जेड 4 है तो आप इस वीडियो से अपने फोन को ठीक कर सकते हैं। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो ऊपर दिख रहा है सब्सक्राइब का बटन जो मेरे वीडियोस के नीचे होता है उसको आप दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी वीडियो का। मेरे वीडियोस को लाइक भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे वीडियोस को शेयर करिए, जिससे कि जो बहुत से लोग हैं जिनको कि ये वीडियो मिल जाए और वो अपने इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाए। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो दोस्तों आपको कम से कम 100 से 200 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस वीडियो से अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल रितेश फोन वर्क एंड टैक्स सॉल्यूशन को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये है सैमसंग का टीजेन जेड 4 मॉडल और इसमें विजिट कस्टमर सर्विस सेंटर आपका दिखे यहाँ पर प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है ऊपर से, और इमरजेंसी कॉल तो ओपन हो रहा है। तो ये देखिए मॉडल आपको दिख रहा होगा, अगर आपके पास टीजेन जो है जेड 4 मॉडल हो 4G सेट, तो मैं इसका आपका जो ओपन करके मॉडल नंबर अंदर से भी दिखा दे रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का कोई सेट हो, आप ये मॉडल नंबर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लिख रहा है Z400F। अगर आपके पास इस तरह का कोई सेट हो और उसमें विजिट कस्टमर सर्विस सेंटर का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करेंगे मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, वैल्यूम अप, होम बटन और पावर की को आपको लॉन्ग प्रेस करना है, तीनों को एक साथ। आप तीनों को एक साथ लॉन्ग प्रेस करिए, उसके बाद जैसे ही सेट आपका ऑन होता है आपको छोड़ देना है। यहाँ पे आपको बूटिंग का दिखाएगा, उसके बाद इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा टीजन का सिस्टम रिकवरी। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है वैल्यूम डाउन से, नीचे यहाँ पर आना है फ़ोन, जो नीचे वाला तीसरा ऑप्शन दिख रहा है फ़ोन रियंटिलाइजेशन, ऊपर लिखा है रिबूट सिस्टम नाउ, बीच में सेफ मोड, तो तीसरे ऑप्शन पे आपको आना है। तीसरे ऑप्शन आने के बाद आपको पावर की प्रेस करना है, फिर ऊपर पूछेगा यस, जो लिखा हुआ है वहाँ पे नो और यस, तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करना है यस पे, उसके बाद फिर पावर की को प्रेस करना है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ से फ़ोन जो है सिस्टम आपका फ़ोन ऑफ होके ऑन हो जाएगा। सैमसंग जेड 4 टीजन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, आपका बहुत पुराना मॉडल है लेकिन फिलहाल अभी मेरे पास आया है, तो मैं आपको अपडेट बता दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगेगा, टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो देखिए लिखा हुआ है पूरा के परफॉर्म बैटरी डाटा रीसेट दिखा रहा है परफॉर्मिंग, तो आपको इस समय पूरा इंतज़ार करना होगा, आपका 5 से 10 मिनट आपका इसमें लग सकता है। तो दोस्तों इस दरमियान मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल से आप इस तरह की वीडियोस देख के अपने फ़ोन को बना सकते हैं, सीख सकते हैं घर बैठे। कॉमन यूज़र भी जो होगा वो भी अपना फ़ोन घर बैठे ठीक कर सकता है। तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पैसे बच जाएँ। और मैं रियल कॉस्ट की वीडियो बनाता हूँ, फोल्डर हो, बैटरी हो और चार्जर हो, तो मेरे वीडियोस को देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए, क्योंकि हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरह से आपका प्रोसेस में चलेगा, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है दोस्तों, इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, आप इंतज़ार करिए। फिर यहाँ पर देखिए आपका ऑफ होगा, सैमसंग जेड 4 लिखा है, इस तरह से ये ऑफ ऑन होता रहेगा। होने के बाद आपका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर प्रोसेस में जाएगा। तो यहाँ देखिए फिर से हो रहा है इंस्टॉल न्यू कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है पूरा का पूरा। तो इस कंडीशन में अभी देखिए ये जा रहा है, कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, जितने एप्लीकेशन है वो आपके इसमें इंस्टॉल हो रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फ़ोन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा, आपका जो फ़ोन है जो विजिट कस्टमर सर्विस सेंटर बोलता था वो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। आप अपने फ़ोन में सिम लगा के अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल वे पे, वरना आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इस काम के लिए आपको 100 से 200 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। तो मैं आपको अपना इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ सर्विस के थ्रू, जिससे कि आप अपने फ़ोन को इस तरह से ठीक करके अपने पैसे को बचा सकते हैं और भी दूसरे लोगों के पैसे को बचा सकते हैं, अगर आप वीडियो शेयर कर देते हैं तो मेरे वीडियोस को शेयर भी करिए, ज़्यादातर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपको और भी ढेर सारे अपडेट वीडियोस मिल सके।
क्योंकि आजकल आपका जो मोबाइल है हर समय कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आता रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपका फ़ोन अब चालू होने वाला है, समझ लीजिए लगभग ये आपका वेलकम स्क्रीन आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपका फ़ोन ऑन हो गया, वेलकम स्क्रीन आ गया। आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी लैंग्वेज में हो आपका, आप मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तो आप कुछ भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इंग्लिश कर देता हूँ क्योंकि इंग्लिश जो है कॉमन लैंग्वेज है। और यहाँ पे देखिए मैं यूनाइटेड स्टेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं फॉरवर्ड करता हूँ, इसको मैं स्क्रॉल करूँगा ऊपर। यहाँ पर आपको पूछेगा सिक्योरिटी के लिए, यस कर दीजिए, नो कर दीजिए, जो भी है लेटर कर दीजिए, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप फटाफट अपना कर लीजिए। उसके बाद फ़ोन जो है आपका ये नीचे आएंगे, डन कर दीजिए, फ़ोन आपका देखिए ऑन हो गया। इस तरह से आपका जो फ़ोन है वो ऑन हो गया दोस्तों। तो इस सेटिंग को सीख लीजिए मेरे वीडियोस के थ्रू, और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और अपडेट वीडियोस लेते रहिए अभितेज फार्मा टेक सॉल्यूशन से। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरा नेक्स्ट वीडियो देखते हैं इसी चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।